हम इन तीनों कानून का पूर्णतः समर्थन करते हैं, क्योंकि मोदी जी जैसे पीएम कभी हो मिल नहीं सकते भारत को। हमें अपने आप को खड़ा करने का मौका दिया है, अपनी फसल को हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। इस कानून के अनुसार किसान क्यों आजादी है वो जहां मर्जी बेचे। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी उससे अधिवेशन से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था, ये पेमेंट हमारे खाते में आती है हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था, हम बहुत खुश है। जो ये तीन कानून बनाए हैं ये किसान को पूरी आजादी प्रदान करते हैं। साथ में मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आंदोलन अब गलत हाथों में चला गया है, देश विद्रोही उसमें दिखाई पड़ते हैं, नुकसान करने वाले दिखाई पड़ते हैं, कृपया कर उनके बरगलाने में ना आए। आश्वासन दिया हमें कि हम लोग किसानों के साथ बैठ के बात करके इसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री ने यह कहा किसान हमारे हैं, हम किसानों का किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जिसका नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। हम आज किसान की तरह आए हैं, बात की है मंत्री जी से, उन्होंने बताया कि हमने ऐसा ऐसा ये चीज मानी भी है, ये करी भी है, दोनों उसका पूरा आश्वासन दिया, सारा कुछ किया, टेबल में बात चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार कहीं से कहीं तक किसानों के खिलाफ नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है तो ये किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है।